एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और सिटी 42 पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज मैं हूँ मॉल ऑफ लाहौर में और यहाँ पर जो क्राउड आएगा उसके साथ हम करेंगे मज़े मज़े के सवालात और देखेंगे कि उन मज़े मज़े के सवालात के लोग हमें क्या जवाबात देते हैं। फिर रिडल्स होंगे, टंग ट्विस्टर्स होंगे और सबसे बढ़कर टैलेंट हंट भी। तो देखेंगे कि आज का क्राउड जो है वो किस हद तक चार्ट होता है और हमारे देखने वालों को, हमें, आपको किस तरह से एंटरटेन करता है। सो लेट्स गो। तो इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद मोहद। मोहद, बहुत डिफरेंट नाम है आपका, इसका मतलब क्या है? हिदायत वाला। हिदायत वाला, हिदायत देने वाला या हिदायत लेने वाला? देने वाला। देते हैं लोगों को हिदायत? कोशिश करते हैं। हिदायत है आपके पास? कोशिश करते हैं, आ जाती है। कहाँ से आती है? इधर उधर। कोई आज तक बड़ा कोई गलत काम किया और उसके बाद अल्लाह ने हिदायत दे दी हो और आप उसको ओन करते हो कि पहले मैं सही ट्रैक पर नहीं था, अब सही ट्रैक पर? बता नहीं सकता, पर हाँ होता है ऐसे। हिडन पार्ट है, चले ना बताए, कॉन्फिडेंशियली रहना चाहिए। नॉलेज कैसा है आपका? कंपैरेटिव बेहतर। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? इससे। अच्छा मुझे बताएं, वो कौन सा मुल्क है जिसकी फौज है ही नहीं? वियतनाम। क्यों कहे वियतनाम, वजह? छोटा सा मुल्क है, जानता भी नहीं है उसे। ले, ये क्या लॉजिक? जरूरत भी नहीं है उसे फौज की। आई मीन, चलें, सही जवाब नहीं दिया आपने। अच्छा मुझे ये बताएं, अपनी शर्ट की तरफ नहीं आपने देखना, आपकी शर्ट पे कितने बटन्स लगे हुए हैं? चार। किसने कहा चार लगे? मैं कह रहा हूँ। क्यों कह रहे हैं? मेरी शर्ट है। आप इसका जवाब ये बंदे कि आपने पूछा है तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, है ना, ये जनरल नॉलेज था? नहीं, जनरल नॉलेज पहले था, वो ये था कि किस मुल्क की फौज है ही नहीं और आपने कहा वियतनाम, और वियतनाम गलत आंसर है। ये तो बड़ा, ओह नो, इट हैपेंस, लाइफ इज हार्ड समटाइम्स। क्या लाइफ? लाइफ इज हार्ड समटाइम्स। लाइफ इज हार्ड समटाइम्स, और वो हार्ड टाइम्स में आपको मिली हिदायत और फिर अभी आप वो हमें बताना भी नहीं चाह रहे? बताना भी नहीं चाह रहे, वो कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मेरा नाम बासिम अली है। इन्होंने कहा था कि कंपैरिजन में आपसे उनके पास ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा वो इंटेलिजेंट है, सही कहा? हां, मेरे बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग हैं, सही कह रहे हो। बुजुर्गों के पास ज्यादा ही नॉलेज होता है। कितने बड़े हैं आप? हो गए 3 साल। 3 साल बड़ा बुजुर्ग होता है? अपने से बड़ा तो बुजुर्ग ही होता है। अपने से बड़ा, आपका जनरल नॉलेज कैसा है? इतना अच्छा नहीं है, बेटर। मतलब क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली सीए फाइनलिस्ट का स्टूडेंट हूं। स्टूडेंट हैं किसके? सीए फाइनलिस्ट। सीए फाइनल के स्टूडेंट, वाओ, मैं तो बड़े इंटेलिजेंट बंदे के साथ बैठी हूं। कितनी दफा फेल हो चुके हैं सीए? ये पूछना चाहिए कितनी दफा पास हुए हैं? हां, ऑलमोस्ट कहने पास तो काफी दफा हो गए, फेल उससे ज्यादा हो गए हैं। वही ना, सीए में ज्यादा बंदा फेल होता है और कम बार पास होता है, लेकिन स्टिल बट यू आर अबाउट टू रीच योर डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। यस, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने अपनी शर्ट की तरफ नहीं देखना, आपकी शर्ट में क्या बना हुआ है? चेक्स, बॉक्सेस एंड बॉक्सेस, और लाइंस किस कलर? ब्लैक। आपका नाम? सैयद मेहर अली। मेहर, आप ये माइक खुद ही होल्ड कर लेंगे, मेरा हाथ थक गया है। आप सब आपस में क्या है? आपस में हम लोग कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं। आप भी सीए कर रहे हैं? जी, हम तीनों सीए फाइनलिस्ट हैं। सीए फाइनल, इसके बाद आपका सीए कंप्लीट? हां, वी आर गोइंग टू रीच आवर डेस्टिनेशन वेरी सून। तो हमारा बहुत पैसा भी आपके पास आने वाला है ना? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन नहीं आ जाता है वो, डिग्री ऐसी है, आ जाएगा इंशाल्लाह। सिर्फ डिग्री नहीं, मेहनत भी इतनी है। हां, मेहनत तुझे पता है। कितनी दफा आप, कितनी दफा फेल हुए? ये इट्स प्रीटी नॉर्मल के फेल हुए बगैर सीए कर लेना बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो कर लेते हैं। मेरा ख्याल है होता ही नहीं। नहीं होते हैं, वो 0.1% लोग होते हैं ऐसे जो कर लेते हैं। शर्ट पर कितने बटन्स हैं? मेरी शर्ट ब्लैक कलर की, मुझे पता है। हां, तो इस पे बटन्स हैं, बटन, बट यू आर नॉट अलाउड टू लुक इन योर शर्ट। ओके, आई थिंक 4 बटन्स हैं, यू थिंक, बट यू आर नॉट श्योर। नो, आई एम नॉट श्योर। आप सीए कर रहे हैं, इतना ख्याल तो रखें। मैं बटन्स नहीं गिनता सुबह उठ के, मैं बंद करते हुए बटन नहीं गिनता। अच्छा, लाइफ का सबसे ज़्यादा इमोशनल पार्ट सीए में फेल होना या कोई फेल रिलेशनशिप? आई थिंक किसी करीबी का दुनिया से चले जाना इज़ मोर इमोशनल देन फेलिंग एन एग्ज़ाम।
क्योंकि एग्जाम्स तो दोबारा आ जाते हैं, जो चला जाता है वो दोबारा नहीं आता, ये इमोशनल पार्ट है। अच्छा, एक टंग ट्विस्टर करवाऊंगी आपसे, और वो टंग ट्विस्टर ये है कि 9 नोबल मैन निम्बलिंग द नट, इसको आपने मुझे 6 टाइम्स जल्दी जल्दी कह के दिखाना। Can you repeat it? Oh no! 9 nimble noble men nimbling the nut. 9 nimble noble men nimbling the nut. 9 nimble noble men nimbling the nut. 9 nimble noble men nimbling the nuts. 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 Final wale mein aake aap thoda sa phas gaye, lekin aapne kar liya. Pronunciation theek thi meri. वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आई होप आप लोग अपना ये पिज्ज़ा ज़रूर इन्जॉय करेंगे। आप लोगों ने मुझे नहीं ऑफर किया, आप ले जाए आप, नहीं नहीं मैं लेकर नहीं जाऊँगी आप लोगों के साथ इधर ही बैठ के खाना। जरूर खाली है, मैंने खाली नहीं है, खाली नहीं है, नहीं नहीं इसमें है, चेक कर लेंगे। चलें, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस मील, थैंक यू सो मच। और अभी कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फरखंदा। फरखंदा, और आपका? कंदील। कंदील, चलें पहले आपसे बात करते हैं, आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ हैं जी। यहाँ पर क्यों आई हैं? बच्चों को एंजॉय कराने के लिए। बच्चे कहाँ हैं आपके? वो झूले वगैरह ले रहे हैं। झूले वगैरह ले रहे हैं। अच्छा, कैसा है एक हाउसवाइफ का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है जी। मैंने तो हर एक को रोते ही देखा। नहीं, हम शादी हो नहीं, नहीं। बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? घर गृहस्थी का संभालना, बच्चों को देखना और हस्बैंड को देखना। हस्बैंड को देखना, बस देखते ही रहना, ये बहुत अच्छा है। मेरा नहीं ख्याल शादी के एक दो साल के बाद हस्बैंड को देखना इतना अच्छा लगता होगा। मेरे शादी को 12 साल हो गए हैं। अभी भी आप वैसे ही जज्बे से देखती हैं जैसे पहली दफ़ा देखा था, वैसे ही देखती हैं जी। लड़ाई होती है आपकी अपने हस्बैंड के साथ? क्यों? कभी भी हम लड़े, फिर मोहब्बत ही नहीं है आप लोगों में। क्यों, ये क्या बात हुई? लड़ाई वहाँ होती है जहाँ प्यार होता है। नहीं, मैंने लड़ाई वहाँ प्यार भी नहीं, एक्सपेक्टेशन ही नहीं। चले, जोक्स अपार्ट आपसे बात करूंगी, क्या नाम है आपका? कंदील। कंदील, आप क्या करती हो? स्टडी करती हूँ मैं। क्या स्टडी करती हूँ? फर्स्ट ईयर में। क्या पढ़ी? बायो ही रखी हुई है ये सब। तू बायो क्यों रखी है? मुझे शौक है। काजल क्यों लगाया हुआ? वैसे ही। आपको पता है आपकी आंखें जिस तरह से हैं वो वैसे ही बड़ी प्यारी लगी, बड़ी है ना? हाँ सच्ची कह रही हूँ। जनरल नॉलेज कैसा है? अच्छा है। क्यों अच्छा? एक्सपीरियंस हो जाता है, नॉलेज आ जाती है, इस वजह से अच्छा। किस चीज़ का एक्सपीरियंस है? यही, बातचीत करने में आसानी हो जाती है। बातचीत की? किसी से भी नहीं, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हर किसी। अच्छा चलो, मुझे एक सवाल का जवाब दो। FIR सुना हुआ ना, सबने सुना होता है, किस चीज़ का एब्रिविएशन है? मुझे नहीं आता है। टंग ट्विस्टर करें, कर लोगी? 9 निम्बल नोबल मैन निम्बलिंग द नट, तो 5 दफ़ा कह के दिखाओ। वैसे सबसे मैं 6-6 दफ़ा करवा रही हूँ, एवं प्यारी लग रही हो, काजल लगाया हुआ है, तो मैंने कहा कि इससे 5 दफ़ा करवा लेती। 9 निम्बल नोबल मैन निम्बलिंग द नट, नहीं ये नहीं होगा। फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होगा, ये आपकी क्या लगती हैं? मोमानी है ये मेरी। क्यों लगती हैं मोमानी? कवच में लगती हैं, मामू हैं। कैसी मोमानी हैं? गुस्से वाली हैं या अच्छी वाली हैं? अच्छी वाली हैं। और ये कैसी भांजी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, कैमरे के सामने दिखा रही है, ऐसे ही कहते हैं? नहीं नहीं, ये कब? अच्छी है। अच्छी है जी। सबसे अच्छा क्या कर लेती है? ये पढ़ाई इसकी बहुत अच्छी है, स्टडीज में जी बहुत अच्छी है। अच्छा चलो, आपने मुझे ये तो जवाब दिया नहीं, कोई जोक सुना दो जिस पर मुझे बहुत हंसी आए। मैं क्या सुनाऊँ, कुछ भी नहीं है, मतलब यही कि फजूल से लोग। अच्छा आपको पता है आपके नाम से फेमिलियर एक सोशल मीडिया स्टार थी? कंदील ब्लॉग। चलो थैंक यू सो मच कंदील, बहुत अच्छा लगा, और आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और इस वक्त एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फातिमा फैजल। फातिमा। फातिमा क्या करती हो? फातिमा स्टडी करती हूँ स्कूल में। कौन सी क्लास में हो? 8th, 9th में जाना है। क्यों 8th क्लास में? क्यों? मैंने 9th में जाना है, अब क्या बताऊँ।
क्या बताऊँ, जो बताना है बता दो। 8th क्लास में हूँ, अब मैंने 9th में जाना है, तो अभी 8th के फाइनल्स होंगे। तो ओ लेवल्स करना है या सिंपल मैट्रिक? मैट्रिक करना है। क्यों? ओ लेवल्स में मार्क्स बहुत कट करते हैं। मैट्रिक में भी होते हैं? मैट्रिक में खैर इतने नहीं होते जितने ओ लेवल्स में होते हैं। अच्छा चलो, कोई टैलेंट है आप? या मैं बहुत टैलेंट, मतलब कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हूँ। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हूँ? यस। और मेकअप वेकअप करना आता है? खैर आपकी एज की जो लड़कियाँ होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनको मेकअप करने का बहुत शौक होता है, नेल पॉलिश लगाने का बहुत शौक। मेरे अंदर वो शौक नहीं है, जैसे कि नेल पॉलिश मेकअप अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। अभी यहाँ पर क्या कर रही हो मॉल ऑफ लाहौर? मैं देखने आई थी, मैंने पहली बार देखा। फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम आई। लाहौर क्यों? जी इन्जॉय कर रही हो? हाँ जी मैं कर रही हूँ। आपकी शर्ट में कितने बटन्स हैं, देख क्यों रही हो? मैं इतनी दफ़ा शर्ट पहनी है? मैंने एक ही दफ़ा पहनी है, अभी अभी पहनी है। अभी अभी पहनी है। चलो गाना सुना। मैं कौन सा? हाथ में कितने पैसे हैं? 2-3-400 अच्छा हाथ में जितने पैसे हैं वो भी नहीं पता कि कितने पैसे हैं? मैंने शॉपिंग नहीं की, इन्होंने किया मुझे। किसने दिया पैसे? मामा ने। मामा ने दिया, बस ऐसे ही पकड़ा दिए? मैंने नहीं गिने, मैंने गिने नहीं है। अच्छा चलो गाना सुनाओ। अच्छा सा मैं कौन सा गाना सुनाऊँ अभी बता दो। जो आपको आता है, जो आपको सबसे अच्छा आता है। कोई क्वेश्चन पूछे गाना तो मैं क्वेश्चन पूछते सामने नहीं वैसे तो क्वेश्चन का आंसर ना आया फिर तो फिर देखते हैं। वो कौन सा मुल्क है जिसकी कोई आर्मी है ही नहीं? लाहौर जी। कौन सा मुल्क है जिसकी आर्मी ही नहीं है? आर्मी नहीं, फौज ही नहीं है। ऐसा कोई कौन सा भी कोई सा भी मुल्क है जिसकी आर्मी ही नहीं हो सकती? देयर इज वन कंट्री इन द वर्ल्ड विद नो आर्मी। ऐसा तो कोई मुल्क नहीं है जिसके अंदर कोई आर्मी ना हो, पाकिस्तान इंडिया। बीबीसी चैनल फॉर श्योर आपको पता होगा, किस कंट्री का? लो आप मुझे गाने सुन लें। इतने मुश्किल मुश्किल आवाज सुननी है। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो ईमान है मेरा। मेरा आसमां ढूंढे तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी। थैंक यू सो मच फातिमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल दो कि आपने मुझे क्वेश्चंस के सही आंसर नहीं दिए, लेकिन आपने मुझे गाना अच्छे से सुना दिया। ये लो आपके लिए डॉल्फिन शो का पास, और अब आप जाना और इस शो को एंजॉय करना। थैंक यू सो मच। तो प्रोग्राम में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ मजीद लोगों के साथ करेंगे मजे मजे की बातें। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हम कुछ मजीद लोगों से चिट चैट करेंगे, तो आइए बढ़ते हैं लोगों की जानिब, लेट्स गो। तो इस वक्त मेरे साथ एक और नौजवान मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद शेर अली है। ये हाथ क्यों इतने ऐसे बांध के बैठे हुए? वो ऐसे ही बस, थोड़ा थोड़ा ऐसे कैसे? यानी इंसान बैठता है तो उसको इस तरह बैठना चाहिए ना, ऐसे ही बैठना चाहिए। बिल्कुल, उसका अंदाज होता है जिस तरह वो बैठे। अब ऐसे ही बैठते हो? हाँ। तो अब क्यों फिर हाथ क्यों खोले आप? मेरे बहुत से अंदाज है, कभी किस तरह बैठना कभी किस तरह बैठना। कौन कौन से अंदाज हैं, कितने अंदाज हैं? हर अंदाज में बैठ के दिखाओ। अब उस तरह मैं बैठ कर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ फिर कुर्सी हटानी पड़ जाएंगी आपको। अच्छा, इतने बुरे अंदाज हैं, इतने फैले हुए अंदाज हैं। जहर सी बात है, बहुत सारे अंदाज होते हैं उठने के। ऐसे क्यों बोल रहे हो, लाहौर के नहीं हो? हम लाहौर का नहीं है ना। कहाँ का है? हम पंजाब का है। पंजाब में कहाँ? ये पंजाब लाहौर है, हम पंजाब सादिकाबाद का है।
सादिकाबाद का है। सादिकाबाद में पठान रहते हैं? तो हम वहाँ पठान रहता है ना। अच्छा, सही है। गाना आता है? गाना तो हमको बहुत सारा आता है, लेकिन पठानी में नहीं आता है। कोई कवाली आता है, कोई क्या आता है। कोई क्या आता है, कोई क्या आता है, कोई क्या आता है, क्यों आता है? बस ऐसे ही आता है, दिल करता याद करने का, कर लेता है हम। दिल करता याद करने का। अब तक कौन कौन से गाने याद किए? अब इस वक्त ज़हन में कोई भी नहीं आ रहा। अभी कह रहे थे सारे गाने आते हैं। तो बहुत है, लेकिन अब इस टाइम डायरेक्टली तो कुछ नहीं आता। वो किसी का गिफ्ट दिया हुआ है हमने। किसने गिफ्ट दिया? हम उसका नाम आपको बताएगा? नहीं, नाम बताओ, वैसे बता दो, लड़की ने दिया या लड़के ने दिया? लड़की ने दिया हुआ है। चलो गाना सुना दो। कौन सा गाना हम सुनाए आपको? हमारे जहन में इस वक्त कोई गाना भी नहीं आ रहा। सॉरी, क्यों? पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। सुना दो ना। आला रश 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 आला जार 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 आला रश 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 आला जार 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 ओमीनारा पगोरा हुई हुई द जालिम रोरी सोगरे द ओवर द कड़मा मुंदा पिले निमला का ओ खर्चे शेख पिला कोई तावीज मजे आला रश 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 आला जार जार जार। तावीज ही मुझे बस इसमें समझ आई है। तो ये पश्तो का गाना है, इसमें वो ये बोल रहा है कि हमने तो इतना खर्चा कर दिया है, तुमने बस तवीज़ पहन कर गुजारा किया है। वाह 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 वाह, चलो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने मुझे क्योंकि गाना सुनाया है तो क्यों ना मैं आपको डॉल्फिन शो का पास दे दूँ, अगर देखने जाना है तो जाओगे? वो कहाँ पर मिलेगा, हमको पता तो नहीं है ना। क्या मतलब ये कहाँ पर होगा, हमको इसका पता नहीं है। पता नहीं है तो फिर लेकर क्या करोगे? दे दे, फिर भी कोशिश करेगा माने का, कोशिश करेगा, मोहब्बत से दे रहे हैं, जाएगा वहाँ तक, कोशिश करेगा वहाँ तक पहुँचने की। अगर ना पहुँच पाए तो ये मुझे वापस कर दोगे? वापस फिर सोचेगा, कर देगा। चलो ये लो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। तो इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकास है। वकास नाम है। वकास, आपको इतना पसीना क्यों आया हुआ? मैं अभी रनिंग करके आ रहा हूँ। क्या? रनिंग करके आ रहा हूँ अभी। मॉल ऑफ लाहौर में रनिंग करके आए? रनिंग करके इधर आ गया। रनिंग करके इधर आ गए हो, समझ नहीं आ रही। रनिंग करके यहाँ आ गया हूँ ना। रनिंग करके कहीं और क्यों नहीं गए? दिल नहीं किया मेरा, इसलिए नहीं गया। यहाँ पर ऐसी क्या अट्रैक्शन थी जो सोचा यहाँ पे जाना? आपको एंटर होते देखा ना, मैं पीछे पीछे ही आ गया। मैंने सोचा यार टीवी पे आ जाऊँगा तो अच्छा चांस है, शायद कहीं एक्टिंग का एंकरिंग का मौका मिल जाए। मौका मिल जाए। तो भाग भाग कर आए हो? बस ये टाइम मेरा भाग गया। मुझे लगा पीछे कोई डॉगी शॉगी पड़ गया होगा, तो मैं उसके पीछे पड़ा था, वो वापस चला गया। अच्छा, शर्ट पहनी है, शर्ट की तरफ नहीं देखना, आपकी शर्ट के राइट साइड पे ऐसे ऐसे करके कुछ है। हाँ। किस कलर में है? वो येलो कलर में। क्यों येलो कलर में? येलो कलर में है क्योंकि ये ब्रांड का कलर है। कौन सा ब्रांड है? ब्लैक स्टोन। अच्छा, और जो जूता पहना है इसकी क्या खसूसियत है? ये है, ये जूता है फिला का, और खसूसियत ये है कि ब्रांड का अच्छा है, कम्फर्टेबल है, रनिंग में अच्छा है। जो अभी आप भागे हो इसने बड़ा हेल्प किया। सही। जनरल नॉलेज कैसे, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। क्यों करते हो? पैसों के लिए। पैसों के लिए? फिर पैसे मिल जाते हैं, सफिशेंट गुजारा हो जाता है, मज़ा आता है, फिट गुजारा होता है। खुद भी खुश रहते हो, लोगों को भी खुश रखते हो, सिर्फ अपने आप को ही खुश रखते हो। वाह, अच्छा, जनरल नॉलेज कैसा है? अच्छा है, सही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो कौन सा मुल्क है जिसकी कोई फौज ही नहीं है? जिसकी कोई फौज ही नहीं है, आर्मी नहीं है, आर्मी लेस, जिसकी आर्मी नहीं है? सऊदी है। सऊदीया की तो फौज है, ऑल दो की जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो इधर उधर से फौज मंगवाते हैं, जिनमें पाकिस्तान उनकी बड़ी हेल्प करता है, लेकिन सऊदीया की तो अपनी भी फौज है। अपनी भी है? अच्छा, मैं समझा शायद उनकी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारी आर्मी जाती है। इसके अलावा नहीं, गिविंग अप, नहीं आता आंसर। इनकी इनकी भी लिंग है, एक और बोल सकता हूँ, जिन पे अभी सीरिया की नहीं है? नहीं, you're wrong. अच्छा, एक और सवाल, FIR अक्सर नाम सुनते हैं जब घर में कोई चोरी शोरी हो जाती है,
FIR किस चीज़ का एब्रीविएशन है? फर्स्ट इंटरोगेशन रिपोर्ट। चलो बाद में बताती हूँ, सही है या नहीं? हाँ हाँ सही है। और? थोड़ा सा बीच में कोई गलती कर रहे हो। इंटरोगेशन रिपोर्ट। थोड़ी सी गलती है बट इट्स ओके। एक टंग ट्विस्टर है, 9 निम्बल नोबल मैन निम्बलिंग द नट्स। पांच सफा कह के दिखाओ। गिव अप। नहीं होगा। नहीं होगा। गाना सुना दो मजे का, अच्छा सा। हाँ बताएं। क्या क्या बताऊँ? गाना बता दो। गाना बता दूँ? मैं गाने इतने सुनती नहीं हूँ, वेरी ऑनेस्ट टू बी वेरी। दिल दियाँ गल्लां सुना दो। दिल दियाँ गल्लां करांगे सारी रात बैठ के अख मिला के। दिल दियाँ गल्लां सारी रात बैठ के नहीं है। हाँ तो करांगे नाल नाल बैठ के। अच्छा सारी रात बैठ के, ये सारी रात भी कर सकते हैं ना। चलो ठीक है। ओके थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। और इस वक्त मेरे साथ एक और बच्ची मौजूद है, इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब नाम की लड़कियां बहुत ब्रेव होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। आप ब्रेव और स्ट्रांग हो? बस सही हूँ, इतना स्ट्रांग भी नहीं हूँ। कौन सी क्लास में? सेवन। सेवन क्लास में? मुझे क्या पता। क्या मतलब मुझे क्या पता? अब मैं आगे पढ़ती गई तो अब सेवन क्लास में आ गई। हाउ मेनी बटन्स यू हैव ऑन योर शर्ट? व्हाई यू आर नॉट अलाउड टू सी? Don't touch these buttons. Five. But आपने इनको check कर लिया था? बस मैंने देखा तो नहीं था ना। अच्छा कोई talent सबसे ज़्यादा करने में क्या मज़ा आता है? मुझे arts करना मज़ा आता है। Arts में क्या सबसे अच्छा लगता है? Arts में मुझे sketching करना। Sketching आती है? सीखी हुई है? Proper वाली sketching? हाँ मेरी ना चच्ची आदमी को आती है ना, तो मैं उनसे सीख लेती हूँ। मेरा स्केच ड्रॉ कर सकती हो? नहीं इतना भी मैं इतनी भी नहीं हूँ कि मैं किसी इंसान का स्केच ड्रॉ कर सकूँ, वो नहीं मैं कर सकती। अच्छा ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, इसको पांच दफ़ा मुझे कैसे दिखाओ क्विकली। ब्लैक बैकग्राउंड और ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, 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 ब्लैक स्लो मजा नहीं आ रहा यार। लेकिन थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। एक्चुअली मैं थोड़ा सा नाम में कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मैं एकदम पॉज लिया और मैंने कहा इसका नाम ज़ैनब ही है। थैंक यू सो मच। तो प्रोग्राम में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक, क्योंकि हर प्रोग्राम में ब्रेक लाजमी हिस्सा होता है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, वापस आएंगे और करेंगे कुछ मजीद लोगों से मजे मजे की बातें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद अब कुछ मजीद लोगों से करेंगे मजे मजे की बातें, लेट्स गो। और इस वक्त मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा। और आपका? मरियम आजम। क्यों नाम है आपका मरियम? पापा ने रखा, मुझे क्या पता। मुझे क्या बताओ, पूछना था ना कि आपने मेरा नाम मरियम क्यों रखा, आपकी क्या इंस्पिरेशन थी, क्यों नहीं पूछा आज तक, अब जाके पूछना। ओके। कौन सी क्लास में हो? सिक्स। कोई टैलेंट है? है लेकिन बताना नहीं चाहती। क्यों नहीं बताना? क्या टैलेंट? मैं क्रिएटिव वर्क करती हूँ। मेरे साथ क्रिएटिव वर्क करती हूँ? किस तरह का क्रिएटिव वर्क? लाइक डॉल्स की चीज़ें। डॉल्स की चीज़ें स्टिच करते हो? यस लाइक आई मेक टैची और लाइक दिस। ओके और आप कौन सी क्लास में हो? आई एम इन ग्रेड 8। क्या आपकी बहन है? हाँ जी। क्यों बहन है? पेरेंट्स से पूछे क्या पता क्यों बहन है। अच्छा मॉल में क्या कर रहे हो? वैसे ही खाना खाने आए थे एक्चुअली पापा ने। खाना खाने के लिए और कोई जगह नहीं मिली? नहीं ये थोड़ी सी घर के पास, और कहीं स्कूल जाना है तो टाइम को मैनेज करना पड़ता है, वैसे भी बहुत काम होते हैं ना इसलिए। बहुत क्या काम होते हैं? बहुत ज़्यादा काम होते हैं। स्टडीज इतनी ज़्यादा उन्होंने टफ कर दी है। बच्चों की स्टडीज बहुत ज़्यादा टफ है। बहुत ज़्यादा। स्टडीज में कैसी हो? स्टडीज में लाइक
एवरेज से थोड़ा सा ऊपर हूँ. एवरेज से अबव एवरेज. या 80% 80% गुड. हाँ कोई टैलेंट नहीं, कोई खास टैलेंट नहीं है. अच्छा चलो मुझे एक सवाल का जवाब दो. बीबीसी इट्स इजी. ओके बीबीसी चैनल सबने सुना है. हाँ. किस कंट्री का है ये चैनल? आई गेस इंग्लैंड. ओके यस. और आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवाना चाहूंगी. नाइन निबल नोबल मैन निबलिंग द नट. लेकिन ये आपसे होगा नहीं, आप बहुत छोटी हो. ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, इसको पांच दफा कह के दिखाओ. ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड. आप फिर कह दो. Black background, brown background, black background, brown background, black background, brown background, black background, brown background, black background, brown background. Okay, thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके फातिमा मरियम. और अभी एक और यंगस्टर, नौजवान या पता नहीं कौन मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है? वालेकुम सलाम. बिल्कुल ठीक हूँ. आप सुनाएं. मैं भी ठीक हूँ. क्या करते हैं आप? I am software engineer. अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो जनरल नॉलेज कैसा है? ठीक है, बेहतर है. अच्छा है. अच्छा सही है. अच्छा मुझे ये बताएं, वैसे ये जनरल नॉलेज का सवाल तो नहीं है, आपके ट्राउज़र की राइट साइड पर एक स्ट्रिप है, वो किस कलर की है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक येलो वाइट और आउटफिटर है लिखा हुआ. वाइट तो नहीं है, तो येलो ग्रे, बट उसके ऊपर लिखा क्या हुआ? आउटफिटर. आउटफिटर नहीं लिखा हुआ. आउटफिटर है नहीं लिखा हुआ. मैं हैरान होती हूँ, लोग इतने अरसे से जो कपड़े वेयर कर रहे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है. एनीवे एक से लेकर 100 तक गिनती पंजाबी में सुनानी है एक सांस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
आपने इतने सारे लोग देख रहे हैं, नहीं मैंने लिया था, नहीं लिया था, नहीं लिया था। अच्छा सर, एक पॉज आया था लेकिन मुझे सांस नहीं लिया। आपने एकदम से सांस लिया, वो कैमरे में आ गया। अच्छा, नाइन नंबर नोबल मैन निबलिंग द नट, पांच दफा कह के दिखाएं। सॉरी, नाइन नंबर नोबल मैन निबलिंग द नट, नाइन नंबर नोबलिंग द नट, नाइन नंबर क्या, नाइन नाइन निम्बल नोबल मैन निम्बलिंग द नट। सर ये बहुत सेंटेंस लेंथी है, तो या तो मेरे सामने रखे ना तो मैं पढ़ देता हूँ। सामने क्यों मेरे, ठीक है, चलिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और दो बहुत ही प्यारी सी बच्चियाँ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हेलो, आपका नाम क्या है? आयशा। और आपका? ज़ैनब। आप दोनों बहनें हो, इतने प्यारे फ्रॉक पहने हुए हैं, बाल भी सेम बनाए हुए हैं, शूज भी सेम पहने हुए हैं, इतनी ज़बरदस्त मैचिंग, किसने ये ड्रेसेस लेकर दिए? मामा। मामा ने? यस। मामा अच्छे हैं, बाबा अच्छे हैं? मामा। बाबा क्यों नहीं अच्छे? बाबा वैसे ही नहीं है। वैसे ही नहीं अच्छे। और आपको मामा अच्छी लगते हैं, बाबा अच्छे लगते हैं? दोनों अच्छे लगते हैं। ये बड़ा डिप्लोमेटिक सा आंसर है, दोनों अच्छे लगते हैं। ज़्यादा प्यार कौन करता है? दोनों करते। कौन सी क्लास में? छह। और आप? पेप। कोई अच्छी सी पोइम सुना दो। अच्छा नाच सुना दो। हसबी रब्बी जल्लाह मा फी कलबी गैर अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह और मिला हसबी है सर्व जी का प्यारा है मिला था है तभी है बच्ची का आंखों का बता रहा है। वाओ, थैंक यू। और आप मुझे कोई अच्छी सी पॉइंट सुना दो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर इट्स अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। वेल, आप दोनों बहुत प्यारी हो माशाल्लाह, और आप लोगों ने फ्रॉक भी बहुत अच्छे पहने हुए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने बात की, थैंक यू। और यस 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 यस,
ये आपके डॉल्फिन शो का पास, आपने अपने अम्मा बाबा के साथ जाना है और ये शो देखना है, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय। और इस वक्त एक और बच्ची मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मानूर। मानूर यहाँ पर क्या कर रही हो, किसके साथ आई हो? मैं सिस्टर के साथ हूँ। सिस्टर कहाँ पर है? सिस्टर बैग पे खड़ी हुई है। वहाँ भी खड़ी हुई है? अच्छा, इतने प्यारे कपड़े, गोटे वाले। बस पहन के आ गए। क्यों पहन के आ गए? बस फिरने निकले तो आ गए। फिरने निकले तो आ गए, मज़ा आ रहा है? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। कौन सी क्लास में हो? टेंथ में। टेंथ में हो, वाह, बड़ा मेकअप किया हुआ है। हाँ, अच्छा लग रहा है, बड़ा शमर लगाया हुआ है। हाँ, क्यों नहीं, इयररिंग्स भी पहने हुए हैं। वाह जी। और मैं आपका इंटरव्यू कर लूं? करो 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 करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यार माइक पे मेरा इंटरव्यू करो, मुझसे खुद से अपना इंटरव्यू नहीं दिया जाए। अच्छा दिखाओ। अच्छा, एक टंग ट्विस्टर है, कर लोगी? जी बोलो। कर लोगी? हाँ जी कर लूँगी। पक्की बात है? हाँ जी। आप फिर ऐसे 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 नहीं नहीं कर। ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक ब्लैक। कितनी दफ़ा बोलना है? 5 दफ़ा, जल्दी जल्दी बोलना। ट्राई कर लेती हूँ। बैक बैक, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपनी शॉपिंग को अच्छे से इन्जॉय करो। थैंक यू। सो ये तो था आज का प्रोग्राम, एंड आई एम श्योर कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम में मैंने आपसे पूछे थे 3 सवाल। एक सवाल तो ये था कि FIR किस चीज़ का एब्रीविएशन है, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दूसरा सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि BBC किस मुल्क का चैनल है, तो इसका जवाब है UK यानी इंग्लैंड। और तीसरा सवाल वो ये था कि किस मुल्क की आर्मी है ही नहीं, तो इसका जवाब है आइसलैंड। तो आई एम श्योर कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए स्पॉट पर विद सम न्यू स्टफ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।